अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड फिफ्थ आईटी, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे जी। हमारा जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमने इससे पहले अपने लेक्चर्स में सारी डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने UML डायग्राम्स को भी देख लिया है एंड दैट्स ऑल, ईच एंड एवरी थिंग्स आर क्लियर नाउ। ठीक है जी, SRS भी देखी, उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी देख लिए। तो बेसिकली हमने सारा मेजर पार्ट उसका पढ़ लिया है। तो इससे जो लेक्चर नंबर 32 है ना, लेक्चर नॉट 32, वो हमने नहीं करना, मैंने वो स्किप कर दिया कि जो जो मैं मतलब नहीं पढ़ा रही वो हमने नहीं करना। हाँ जी, लेक्चर नॉट जो है वो 33, इसके ऊपर फोकस है जी, कोकोमो मॉडल। हाँ जी, कोकोमो मॉडल, ओके स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, हमने कोको मॉडल का कंसेप्ट थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये अब उसका चैप्टर है। उसके नाम से बोहेम्स पोस्टुलेटेड डैट, बोहेम्स जो है आपका ऑथर है जिसने ये कंसेप्ट दिया है, दैट एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी क्लासीफाइड इन टू वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। ठीक है जी, आपका जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट हम करते हैं, प्रोजेक्ट को हम क्लासीफाई कर देते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज के अंदर, जैसे बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें आती है आपकी ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। इन थ्री थिंग्स के अंदर उसको तोड़ दिया जाता है, ऑर्गेनिक या सेमी डिटैच्ड या फिर एम्बेडेड, आपका प्रोजेक्ट इन तीनों सिचुएशन में से एक होता है। इन ऑर्डर टू क्लासीफाई आ प्रोडक्ट इन टू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज, बोहेम नॉट ओनली कंसीडर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, वो ना सिर्फ इसकी खसूसियत बताता था प्रोडक्ट की, बट आल्सो दोज ऑफ द डिवेलपमेंट टीम एंड डिवेलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है जी, उसने डिवेलपमेंट टीम को भी डिवेलप और इस टीम का जो डिवेलपमेंट इन्वायरमेंट है वो भी करेक्टरिस्टिक्स उसको डिफाइन करता है। रफली स्पीकिंग, अगर बिल्कुल इसको अदर आसान वर्ड में कहा जाए, दीज थ्री प्रोडक्ट्स क्लासेस कोरेस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है जी, इन्हांस करती हैं ये रिस्पेक्टिवली। नॉर्मली डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर कंसीडर टू बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो आपका डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वो कंसीडर होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बेस पे, कंपाइलर हो गया, लिंकर हो गया, ETC, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। हमें पता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कंपाइलर्स, लिंकर, या फिर आप अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो आप जो बैकअप हो गया, रिकवरी हो गया, वो सारे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोग्राम GTC आर सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, हमें पता है कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम आपके सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर रहते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम में पता है डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम, कोई भी MS Word हो गया, Excel हो गया, PDF, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसे हम अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करें, वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर एंड टिपिकली इन्वॉल्व्स मीटिंग टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कंकरेंट प्रोसेसिंग। हाँ जी जी, आपका जो सिस्टम प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो आपकी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है ना। आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आप किसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, अपनी कंप्यूटर के ऊपर, आप अपने सिस्टम यूनिट के ऊपर कर रहे हैं। बोहेम्स डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड सिस्टम्स आर एलैबोरेटेड बिलो। अब इसने इसकी डेफिनेशन को अलग-अलग एलैबोरेट किया है। इसमें आता है फर्स्ट ऑर्गेनिक, जी ऑर्गेनिक आर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी कंसीडर्ड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी कंसीडर, वो उसको तसव्वुर कर सकता है ऑफ ऑर्गेनिक टाइप। शर्त ये है कि वो ऑर्गेनिक टाइप कब करेगा, इफ़ द प्रोजेक्ट डील्स विद डिवेलपिंग अ वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। द साइज ऑफ डेवलपमेंट टीम इज रीजन एबली स्मॉल, आपकी जो टीम है वो देखे जितना रश कम होगा उतना ही काम आपका आसान होगा। एंड द टीम मेंबर्स आर एक्सपीरियंस्ड, कम हो, कंसाइज हो, लेकिन एक्सपीरियंस हो, डेवलप कर सके सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम ट्रेनिंग इतने सारों को दे नहीं सकते और इतने सारों को तो अब सैलरी भी कोई देना पसंद नहीं करेगा। ठीक है जी, ऑर्गेनिक टर्म्स होनी चाहिए सारी। डिटैच्ड, आपकी इसकी क्या डेफिनेशन है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी कंसीडर ऑफ सेमी डिटैच टाइप इफ़ द डिवेलपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉरी फॉर दैट, कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस स्टाफ। ठीक है जी, इसमें
उसमें तो था ना आपका ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक होता है प्योर, तो एक्सपीरियंस ही चाहिए। सेमी डिटैच में प्योर नहीं है ये, तो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। टीम मेंबर्स मे हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस और रिलेटेड सिस्टम, बट मे बी अनफेमिलियर विद सम एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। मे बी हम कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ नहीं आता, कुछ हमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक है इसमें प्योर एक्सपर्ट ही चाहिए, उसमें गलती के कोई चांसेस नहीं है। हाँ जी, एम्बेडेड जोड़ना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ को अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ते हैं या फिर कोई भी अलहदा सा टच दे देना, तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। कॉम्प्लेक्स काम तो है ये, कंसीडर टू बी एम्बेडेड इफ़ द सॉफ्टवेयर बींग डेवेलप इट स्ट्रॉन्गली कपल टू कम्प्लेक्स हार्डवेयर। देखा जी, इसको जोड़ा जाता है, कपल किया जाता है, कपल होता है ना जोड़ना कम्प्लेक्स हार्डवेयर के साथ। और इफ़ द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन द ऑपरेशनल प्रोसीजर एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने कोई कोड उठाया, मैंने कहा कि मुझे वेबसाइट के साथ जोड़ना है, आप एडवर्टाइजमेंट भी लगा रहे हैं ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो भी आप एक कोड एम्बेड कर रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। तो इस सेंस में ये कहा है कि उसको जोड़ा जाता है। तो ये थी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, अलहदा अलहदा डेबोरेट कर दी बॉयम्स ने। कोकोमो, हाँ जी जी कोकोमो, वो वाली टर्म नहीं है, कोकोमो मुझे भी दो। तो खैर, नाम तो वही है, नाम में क्या रखा है। कोकोमो स्टैंड फॉर जी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है ये आपका। टोटल वाज प्रपोज बाय बोएम्स 1981 अकॉर्डिंग टू बोएम्स, आपके बोएम्स जो है, आपका ऑथर जो है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन इसमें एलेबोरेट करता है, शुड बी डन थ्रू थ्री स्टेजेस, जैसे कि बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और कंप्लीट कोकोमो, ठीक है जी। बेसिक बेसिक होगा कॉस्ट एस्टिमेशन, या बेसिक हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है, कंप्लीट होती है। बेसिक कोकोमो मॉडल में क्या है, बेसिक कोकोमो मॉडल गिव्स एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, ठीक है। आपकी जो बेसिक कोकोमो का मॉडल है वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक कोकोमो एस्टिमेट मॉडल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जैसे कि एफर्ट A1, मतलब ये सब है, ठीक है, सब जो नीचे वाली पावर होती है वो सब सेट होती है, एक्स के लॉक्स। तो हमें इस चीज़ों को इन डेप्थ में नहीं जाना, जब आपकी फिजिकल क्लास होगी तब आपको ये मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सिंपल सा देख लें, क्लॉक हमें पता है, मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया हुआ है, किलो लाइंस ऑफ कोड है ये, ठीक है जी। आपका ये फार्मूला है एफर्ट का, तो ये वन बाय वन इस चीज़ों को एलेबोरेट किया हुआ है नीचे, तो हम देख लेते हैं। क्लॉक इज़ द एस्टिमेशन साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस इन किलो लाइंस ऑफ कोड, हाँ जी भी, कि क्लॉक स्टैंड फॉर होता है किलो लाइंस ऑफ कोड। A1, A2, AB1, B2 आर कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट है फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। TDEV टाइम डेवलपमेंट, ठीक है जी, TDEV हम टाइम डेवलपमेंट हमारी कितनी लगी है, हमारी एफर्ट कितनी लगी है, हमारे टाइम डेवलपमेंट कितनी लगी है, तो वो आपकी एफर्ट के ऊपर और मंथ्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो फार्मूलाज आप लोगों ने कर लेने हैं। इज एस्टिमेटेड टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एक्सप्रेस्ड इन मंथ, ठीक है जी, मंथ के अंदर एक्सप्रेस्ड होते हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो मंथ्स के अंदर लेने चाहिए, सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट। हाँ जी, एफर्ट इज टोटल एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन पर्सन मंथ, मतलब PMs इसके अंदर इसको किया जाता है। द एफर्ट एस्टिमेशन इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ पर्सन मंथ, इट इज़ द एरिया अंडर द पर्सन मंथ प्लॉट, ये आपकी फिगर के अंदर शो करवाया गया है। जैसे कि एफर्ट ऑफ 100% पर्सन मंथ की क्या होगी, डज नॉट इम्प्लाई दैट 100% शुड वर्क फॉर वन मंथ, नॉर डज इट इम्प्लाई दैट 1% शुड बी एम्प्लॉय फॉर 100 मंथ। तो ये देख लेते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, पर्सन मंथ कर्व है कि ये काम आपने स्टार्ट किया, एक पर्सन का है ये जी, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, अब टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने वर्किंग कर रहे हैं वो इधर एलेबोरेट हो गया। अब ये एक ने किया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, मतलब डिफरेंट अगर कैलकुलेट हुए तो उसके मंथ के जो टोटल टाइम है वो कैसे कर्व बन रहा है बेसिक के अंदर।
आई थिंक सो इट्स इनफ टू क्लोज नाउ एंड हम नेक्स्ट जो है अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगले लेक्चर में देख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा.